ये वाला दिन जो है ना, ये मेरे लिए बड़ा ही खास दिन है। इस दिन में क्या हुआ मैं आगे जाके बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये मैं आज कहाँ जा रही हूँ, वो मेरा एक बन गया जुमला, कहाँ जा रही हूँ वो मैं आगे जाके बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हाँ जी, मैं आज हमारी क्या कहते हैं एनिवर्सरी का दिन है, शादी की सालगिरह का हमारा दिन है, तो उसके लिए हम लेने जा रहे हैं कुछ गिफ्ट। और गिफ्ट ऐसे हैं जो हम मशवरा करके लेने जा रहे हैं। हालांकि ऐसे शादी वाले दिन की जो भी चीज़ें होती है वो सरप्राइज होती हैं, लेकिन ये था कि ये वाली चीज़ ऐसी थी कि हम दोनों को आपस में बात करके ही लेनी पड़नी थी, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत भी थी और मेरे लिए बड़ा ज़रूरी हो गया था कि ये मैंने लेना है। और मैं रुकी हुई थी कि चलो इस दिन का इंतज़ार कर लेती हूँ, तो फिर एक दिन में दो काम हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आई हूँ मीडिया मार्केट। मीडिया मार्केट हमारे पास ही है, 2 किलोमीटर बनता है, इतना दूर नहीं है। तो मैं आज लेने आई हूँ अपनी व्लॉगिंग के लिए कैमरा। जो जो भी ये काम करते हैं यूट्यूबर है, उनको पता है कि ये वाली जो चीज़ है उनके लिए कितनी ज़रूरी है। और मैं अपने मोबाइल पे ही वीडियो बनाती थी और मुझे इजी भी लगता है मोबाइल पे। मोबाइल का ये हुआ कि कुछ थोड़ा सा उसको मसला हो गया था, तो मोबाइल भी लेना था, तो मुझे ये था कि अगर चीज़ लेनी है तो मैं वो लूँ जो मेरे लिए काम आए आगे भी जाके। तो ये जो दिन होता है, आपको पता है कि खास दिन होता है हमारे लिए, जो भी लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनके लिए बड़ा स्पेशल दिन होता है। तो ये स्पेशल दिन हम आज मैं अपने इस कैमरे के साथ इब्तिदा करूंगी, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट और खुशी का दिन था। और मैं आज वैसे भी बड़ी खुश थी ये जो मुझे मिला है, क्योंकि ये मेरी पसंद का है और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, तो इसलिए ये मैंने लिया है। तो आगे जाके एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सा कैमरा लिया है और कितने का लिया है। अब हम दोनों खाना खाने के लिए जा रहे हैं। साथ हमारे एक स्टड है, छोटा सा सिटी है, तो वहाँ किसी ने बताया था कि अच्छा रेस्टोरेंट है, उधर जाएं खाना वगैरह उधर बैठ के खाएं। तो हम दोनों ही जा रहे हैं क्योंकि बच्चे आज नहीं जा रहे। बड़े बेटे ने आज ली थी ऑनलाइन एक गेम, और आपको पता है ये जो गेम होती है फुटबॉल की, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों में, तो उनको ये था कि हमने आज गेम ली है, तो आज हम घर पर ही रहेंगे, आप दोनों जाएं और खूब मज़ा लें। तो इसलिए हम दोनों ही जा रहे हैं, लेकिन जाते तो हैं, अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, लेकिन ये होता है कि बाज का जो माए हो जाती है जब बच्चे होते हैं ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो जो ख्याल दिमाग में वो जो बच्चों का रहता ही रहता है कि बच्चे घर पर हैं। तो बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, और वैसे भी उनकी मर्ज़ी से ही हम दोनों गए हैं, क्योंकि उनको घर में मज़ा आ रहा था, आज उनका दिन था, उन्होंने जो ख़रीदा था उसका मज़ा ले रहे थे। तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, शाही तंदूरी रेस्टोरेंट इसका नाम है। मैं इधर फर्स्ट टाइम गई हूँ, तो इसका रिव्यू भी मैं दूंगी खाने का, और इसका जो भी अंदर था सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये रोसलजाई में है। क्योंकि बाद में जब मैं नाम नहीं बताती और जगह नहीं बताती, फिर बड़े मुझे मैसेजेस आते हैं कि मुझे हमें प्लीज़ नाम भी बताया करें। तो इसका नाम शाही तंदूरी रेस्टोरेंट है और रोसलजाई बानहोफ के पास है। तो मैं आपको इसका ये बताऊंगी कि अगर खामोशी के लिए जाना है, मज़ा ले कि कोई डिस्टर्ब ना हो, कुछ ना हो, तो फिर तो बहुत अच्छा है। दो फैमिली, फैमिली बड़ी फैमिली भी जा सकती है, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, काफ़ी खूबसूरत, बड़ा प्यारा ये अंदर से उन्होंने किया हुआ था। और जब खाना लेट हो जाता है ना, तो फिर ऐसे कश्ती टेम्पू जो पड़े होते हैं ना उसकी, ये मेरे मियाँ साहब ने कश्ती बना के तो खेल रहे हैं। तो जब खाना तो काफ़ी लेट आया था, ऑर्डर दिया था और आधा तकरीबन घंटा लगा दिया था, तो उस वक्त हमने ये फिर छोटे छोटे क्लिप लिए कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खूबसूरती में तो बेनतहा खूबसूरत था, काफ़ी अच्छा डेकोरेट उन्होंने किया हुआ था, ये देखिए माहौल बड़ा अच्छा था, फैमिली के लिए बहुत अच्छा माहौल था अंदर जाने के, जैसे अगर
किसी फैमिली ने जाना है, मियाँ बीवी ने जाना है, तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही खामोश था और सर्विस भी अच्छी थी उनकी। खाने का मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊंगी, खाने के मामले में खाना तो सब कुछ ही अच्छा होता है, खाने के बारे में तो मैं नहीं बात करूंगी कि अच्छा नहीं था, लेकिन ये था कि जो मियाँ साहब ने मंगाया था कढ़ाई वगैरह नान, उनको तो ख़ास तौर पर बहुत मज़ा आया। तो मैंने टिक्का वगैरह मंगाए थे लेकिन ठीक ठाक थे, बस ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत बुरे थे, 50-50 इसका मैं दूँगी। क्योंकि अगर आप कोई मेन्यू लेते हैं ना तो उसके साथ पूरा होता है, जैसे सैलेड होता है, रायता होता है, नान वगैरह होते हैं, तो ये सारा कुछ अलग अलग से आपको बुक करवाना पड़ता है। अगर आपने कढ़ाई वगैरह लेनी है तो उसके लिए भी आपको अलग से हर चीज़ अलहदा अलहदा लेनी पड़ती है। अगर कोई मेन्यू लेता है तो उसके अंदर मेरे ख्याल में सैलड और रायता तो ज़रूर होना चाहिए, वो अलग से नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमें मज़ा आया, हम दोनों ने खूब मज़ा लिया, इंजॉय किया इस दिन को। और वापसी पे बच्चों के लिए हमने उधर से कुछ नहीं लिया, क्योंकि बच्चों को मैंने लिस्ट में बताया था और बच्चों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं हमने ये नहीं खाना। आपको पता है देसी खाने हम लोग शौक से खाते हैं, बच्चे तो घर पे बड़े मुश्किल से खाते हैं, आरे वगैरह लगा के उनको खाना पड़ता है। तो जब बाहर जाएं तो फिर ये वाला जो उनकी पसंद का बर्गर किंग, मैकडोनल्ड और KFC ऐसी चीज़ें वो पसंद करते हैं। तो उन लोगों को हमने कहा था कि जो भी खाना है आप हमें व्हाट्सअप कर दें, तो बर्गर किंग की जो भी कूपन वगैरह थे वो उन्होंने हमें सेंड कर दिया। और उनका हम दोनों खाना लेके, किसी बच्चे ने मैकडोनल्ड खाना था और किसी बच्चे ने बर्गर किंग खाना था, तो ये बिल्कुल भी हमारे घर के पास ही है दोनों चीज़ें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आमने सामने है, दूर नहीं जाना पड़ता। तो हम वापसी पे ही लेने इधर आए थे कि जब घर जाएंगे तो गरम गरम बच्चों को मिल जाएगा। बच्चों ने आपको पता है ऑर्डर लगाना होता है, तो उनको ये भी था कि आज हम घर पे ही हैं और आपके साथ नहीं गए, उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया और काफ़ी लंबी लिस्ट दे दी दोनों तरफ से, मैकडोनल्ड से अलग और वो बर्गर किंग से अलग, लेकिन माननी पड़ी। तो अब हम घर आ गए, मैं ओपन कर रही हूँ, ये वाला जो गिफ्ट है ना ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेरे लिए इन लोग पहले का लिया लेके रखा हुआ था। तो जब मैं घर आई हूँ कैमरा लेके, तो सबसे पहले मुझे ये वाला मिला था और मैं इतनी खुश थी, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है हर लेडीज़, हर जो जेंट्स उनको पसंद आती है, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू थी। तो अब मैं ओपन करूँगी अपना कैमरा की भी मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन ये था कि इसका मुझे पता था कि मुझे मिलना है, और वो जो परफ्यूम है उसकी से भी ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी पसंद की लेके आए और बहुत अच्छी थी, बहुत ही देख खुशी हुई। तो ये जो कैमरा मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये पैनासोनिक का कैमरा है और इसकी प्राइस है 729। इसके अंदर ही इंश्योरेंस वगैरह भी, तो इसकी जो प्राइस थी वो 729 थी। प्राइस मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिस जिसने लेना होता है फिर वो पूछते हैं, तो इसलिए मैं मुकम्मल इसका आपको बता रही हूँ। अभी तो मैं खुद बड़ी डरी डरी हाथ लगा रही हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें हाथ में, क्या कहते हैं, कैमरा वगैरह मेरे लिए बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, इसको सेट करना, इसके जो लेंस वगैरह होते हैं उसका थोड़ा सा केयर करके लगाना। तो अभी मैं खुद भी सीखूंगी और इसके साथ आगे जाके मैं व्लॉगिंग भी करूंगी और आपको नए नए व्लॉग इसके साथ ही आपको मिलेंगे। इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा था, तो काफ़ी पूछ पाछ के मार्केट वालों से लिया था कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो ये इसका लेंस है जो काफ़ी, वो कहते हैं ना कि केयर करके पकड़ना पड़ता है एहतियात के साथ, तो अभी मेरा स्टार्ट है और मैं देखी कैसे, जैसे छोटे से बेबी को नहीं पकड़ते ऐसे हाथ लगा रही हूँ डरती डरती, तो जैसे आदी हो जाऊँगी फिर कोई परवाह नहीं। तो इसके अंदर बैटरी और चार्जेस वगैरह जो भी तारे वगैरह निकल रही हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। कैमरा दिखाते दिखाते मैं आपसे इजाज़त मांगूंगी, तो दुआओं में याद रखें अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।